नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। कौन था संजीत विद्रोह जिसने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अपने नाम का डंका बजाया था। 18 साल की उम्र में उसने अपने दुश्मनों के मन में डर बैठा दिया था। उसकी गैंग में 300 से भी ज़्यादा लोग शामिल थे। संजीत विद्रोह को सुखा कालो, दविंद्र बम्बीहा और दुर्लभ कश्यप से कम नहीं समझा जाता। उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा मानी जाती है। संजीत विद्रोह फुटबॉल का एक शानदार खिलाड़ी था। वो फुटबॉल गेम में नेशनल लेवल तक जा चुका था। उसकी और कई खेलों में भी रुचि थी। कहते हैं वो 19 फीट की लॉन्ग जंप मार दिया करता था। संजीत विद्रोह का मकसद दुनिया पर राज करने का था। इसी मकसद से वो जुर्म की दुनिया में चल पड़ा। जब भी गांव विद्रोह का नाम आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि संजीत का जिक्र ना हो। ऐसा कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं होगा जिसने संजीत विद्रोह का नाम नहीं सुना होगा। संजीत विद्रोह हरियाणा के रोहतक से 10 किलोमीटर दूर गांव बाहू अकबरपुर का रहने वाला था। यहां ज़्यादातर जाट परिवार रहते हैं। इस गांव के ज़्यादातर युवा फौज में भर्ती हैं और बॉर्डर पर तैनात देश की सेवा करते हैं। गाँव के लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। फौजी और किसान दोनों का देश की तरक्की में बड़ा योगदान है। यहाँ के लोग देसी तौर तरीकों से रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। 8 मई 2000 को एक छोटे किसान के घर एक लड़के का जन्म होता है। परिवार ने उसका नाम रखा संजीत बलारा। परिवार का संजीत बलारा उर्फ संजीत विद्रोह बहुत लाडला था। छोटी उम्र से ही संजीत जो सोच लेता था वही करके मानता था। जब वो छोटा था तो कहते हैं दोस्तों के साथ वो हाथों में हाथ से बनी नकली बंदूक बनाकर खेला करता था। उसने कब असली बंदूक हाथ में ले ली कुछ पता नहीं चला। दोस्तों ने ही उसका नाम विद्रोह रखा था। संजीत ने 10वीं की पढ़ाई के बाद 11वीं की पढ़ाई के लिए रोहतक के जाट स्कूल में कदम रखा। 11वीं में ही उसका फुटबॉल की टीम में सिलेक्शन हो जाता है। आपको बता दें उसका बड़ा भाई रेलवे पुलिस में है। संजीत का फुटबॉल के प्रति इंटरेस्ट को देखकर परिवार ने उसको जलंधर के स्पीड फंड एकेडमी में भेज दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार भी बेहद खुश था। लेकिन एक दिन संजीत का अपने कोच के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद संजीत वापिस रोहतक आ जाता है। संजीत बचपन से ही जिद्दी था। संजीत को बड़ा आदमी बनना था और लोगों में अपना नाम करना था। कहते हैं संजीत सिर्फ अपने बड़े भाई की सुनता था। उसका भाई संजीत को अपने पर काबू रखने को कहता था और लड़ाई झगड़े को बंद करने को कहता था। माता पिता संजीत के इस रवैये को लेकर बेहद चिंतित रहते थे। संजीत को यारी दोस्ती बहुत प्यारी थी। वो दोस्तों के छोटे से बड़े मसले में साथ खड़ा मिलता था। बताया जाता है उसने अपने भाई को कहा था कि मेरे नाम से आपको लोग सलाम ठोकेंगे और इज्जत करेंगे। गांव के अखाड़े में संजीत हमेशा अपने से दुगने पहलवान से कुश्ती किया करता था और वो जीतता भी था। गर्म खून और शरीर में उसके जोश था बड़ा नाम करने का। वो 15 साल की उम्र में घर छोड़ देता है। घर वालों को उसको लेकर टेंशन रहने लगी। परिवार वाले उसको तलाश रहे थे। महीने बीत रहे थे लेकिन संजीत का कुछ पता नहीं चल रहा था। 6 महीने बाद अचानक रोहतक पुलिस स्टेशन से संजीत के भाई को फोन आता है, जिसके बाद पता चला कि संजीत आर्म्स एक्ट के केस में जेल में बंद है। परिवार वाले उसके इस कारनामे से टूट जाते हैं। दरअसल संजीत विद्रोह घर छोड़ने के बाद हरियाणा के एक बड़े गैंगस्टर संदीप गाड़ोली की गैंग में शामिल हो गया था। संजीत विद्रोह का भाई पुलिस स्टेशन जाता है और उसकी जमानत करवाता है। बड़ा भाई छोटे भाई को घर लेकर आता है। कुछ महीने संजीत घर रहा लेकिन फिर से वो घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद तो संजीत के बड़े बड़े कारनामे अखबारों में छपने लगे और परिवार तक उसकी खबरें पहुंचने लगी। कहते हैं घर छोड़ने के बाद उसने अपनी खुद की गैंग तैयार की। ऐसा कोई हथियार नहीं था जो उसके पास नहीं था, जिसके बाद उसने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में किडनैपिंग, रंगदारी, हत्या की कोशिश जैसे कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। उस इलाके के अन्य गैंगस्टर्स को मानो एकदम से शौक लग गया था, जिसके बाद उन्होंने संजीत के फोन को टैप करना शुरू कर दिया था। संजीत विद्रोह वो शख्स था जिसकी अपने गांव में किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना ही उसने अपने गांव के किसी व्यक्ति को परेशान किया।
वो यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन था। दोस्तों का कहना है कि संजीत जब तक जिंदा था तब तक गांव की लड़कियों को किसी ने परेशान नहीं किया। पुलिस भी संजीत पर हाथ डालने से पहले सोचती थी, क्योंकि उसकी बंदूक की गोली ये नहीं देखती थी कि सामने कौन खड़ा है। यूं कह लीजिए, संजीत को परवाह नहीं थी कि सामने कौन है। अपराध करते करते संजीत की दोस्ती गैंगस्टर राजेश भारती से हो जाती है। दोनों ने मिलकर गैंग बनाई और कई गैंगस्टर्स को अपनी गैंग में शामिल किया। उनकी गैंग को क्रांति गैंग कहा जाता था। संजीत के बदौलत ही राजेश भारती की गैंग ने दिल्ली और हरियाणा के बड़े व्यापारियों के अंदर डर पैदा कर दिया था। संजीत पर एक के बाद एक FIR दर्ज होती जा रही थी। कई इलाकों की पुलिस उसकी तलाश में थी। इसी बीच संजीत और पुलिस की भी मुठभेड़ हो जाती है। उस समय पुलिस संजीत को पकड़ लेती है। उस समय संजीत नाबालिग था। पुलिस संजीत को हरियाणा की बोर्डसी जेल में भेज देती है। वहां से उसको दिल्ली लाया गया, फिर फैजाबाद और वहां से हिसार की नाबालिग क्रू में लाया जाता है। वो वहां रहता है और मौका देख अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां से फरार हो जाता है। संजीत ने हरियाणा में खूनी सैलाब मचा दिया था। संजीत विद्रोह को बहुत ही कम लोगों ने फेस टू फेस देखा था। जिन्होंने नहीं भी देखा था वो भी संजीत विद्रोह के नाम से भीगी बिल्ली बन जाते थे। 8 जून 2018 को दिल्ली STF ने संजीत विद्रोह राजेश भारती उमेश डॉन के साथ साथ वीरेश को एनकाउंटर कर मार डाला। कहते हैं एनकाउंटर करने के बाद भी पुलिस आधे घंटे तक संजीत विद्रोह के पास नहीं गई। पुलिस को लगा के कहीं वो जिंदा ना हो। तो दोस्तों, ये थी संजीत विद्रोह की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो को देख रहे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अच्छे काम कर लोगों का मुंह बंद कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।